लोकतंत्र के महापर्व के अंदर आज छठे चरण का चुनाव चल रहा है। हमारे बीच में वो कार्यकर्ता मौजूद है जो कि कर्मठ है, ईमानदार है और पार्टी के लिए निष्ठावान है। दर्शन सिंह जी हमारे बीच में है और तमाम वो कार्यकर्ता है। सर कैसा चल रहा है? बड़ा हर्ष का विषय है। फिर एक बारी मनोज तिवारी, आपको स्वस्थ कर देना चाहता हूँ कि हमारे इस लोकसभा में जिस तरीके से देश के टुकड़े टुकड़ों का उन्होंने एक संकल्प लिया है, ना तो वो हमारी भाषा में, परिभाषा में, हमारी संस्कृति में है ही नहीं। यहाँ पर तो मित्रता, एकता और अपनापन है, उसी को लेकर हम तो 100% रिजल्ट हमारे ही पक्ष में होगा। कम से कम 4 लाख से जीतेंगे। गर्मी भी भयंकर है मतदाताओं में, वो गर्मी का जोश नजर आ रहा है। देखिए ऊर्जा है, ये गर्मी नहीं है, और सारे ऊर्जा के साथ लगे हुए लगे, इसलिए संकल्प ले लिया है इन्होंने। और जब संकल्प ले लिया तो विकल्प बचा ही नहीं है। इन्होंने संकल्प लिया, जब तक सांसद जी को जिता नहीं लेंगे और मंत्री नहीं बना लेंगे तब तक बैठेंगे ही नहीं। मतदान कर दिया है 100%। सुबह 7 बजे जी फैमिली के साथ जलपान, बाद में पहले मतदान, पहले मतदान फिर जलपान। मैं तो ये कहूंगा पूर्ण बहुमत से कमल खिल रहा है और हमारे बूथ पर अभी माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का दौरा हुआ, उसमें देख करके ऊर्जावान सभी कार्यकर्ताओं में ऐसा एक जोश आ गया कि पूर्ण रूप से कमल खिल रहा है और 400 पार हम जा रहे हैं और पक्का और 4 लाख वोट से जीता। जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा जिस दिन वो हमारा पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे तो मैं उस रैली में मतलब देखने आया था, मैं पर रैली में क्या हो रहा है, तो उसकी कन्हैया कुमार की रैली जा रही थी, तो जाने के बाद में फिर इसी तरह से तुम्हारे संवाददाता कोई मिल गए, वो बात करने लगे, कितने भीड़ थी वहां पे, भीड़ 150 आदमी, ज्यादा ज्यादा थे 100 रिक्शे होंगी, और 100 रिक्शे का मतलब वो बाहर वाले थे, कोई पार्टी के आदमी नहीं थे, तो इतनी ही भीड़ थी, मतलब वो 100% हारेगा। जो आदमी में ये कहता है कि देश के लिए मतलब तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वोट दे दिया जी 100%। दर्शन जी फिर एक बार ये चीज देखने में आई है कि वोट डिलीट का मामला फिर से क्या नाम है बहुत तेजी के साथ है। देखिए हमें इस बात का खेद भी है, जो व्यक्ति चुनाव के दौर में सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट के लिए, ये सब दिल्ली सरकार की जो रणनीति चल रही है ना उसके तहत इन्होंने प्री प्लान जितने कार्यकर्ता उनकी वोटों को जान के कटवाया है, इसका परिणाम भोगेंगे आपके सामने देख रहे हैं, खुद वो बेल पर है और जो आदमी बेल पर है वो किसको क्या देगा। तो टारगेट बेस मतलब भाजपा वालों की वोट के लिए स्पेशल स्पेशल जो हमारे समर्पित और सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता उनको पर्टिकुलर छाट छाट के उनकी वोटें काटी जा रही है। मतलब जी क्या माहौल बहुत अच्छा है और हमारे पोलिंग स्टेशन पे तो और इस पूरी लोकसभा में एक तरफा मनोज तिवारी है। वोट डिलीट वाले भी लोग वोट, हाँ वोट डिलीट वाले भी एक विषय है, हमने बहुत वोट बनाने का बहुत प्रयास किया फिर भी कुछ रह गए, लगातार बना रहे हैं, ये पिछली गवर्नमेंट की और पिछली जो काम है उनको हम ठीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की वोट डिलीट हुए हैं, ये भी डिलीट भी बहुत बड़े मार्जिन पे हुई है, ये भी डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है कि आदमी जीवित है और वो अपना मत नहीं डाल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है माहौल? सर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और पूर्ण रूप से कमल खिल रहा है यहाँ पे मनोज तिवारी जी का, उन्हीं के लिए और देश के बजे से बैठे हैं आप? सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में, और पूर्ण रूप से पूरा पूरा सहयोग है। गर्मी भी बहुत है, गर्मी बहुत है फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, पानी वगैरह की पूरी सुविधा, पूरा सुविधा, पूरी सुविधा, यस सर पूरी सुविधा। जिला नौमिशादा के जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी हमारे बीच में, मनोज जी कैसा चल रहा है चुनाव? अब देखो लोगों का उत्साह, ये एक महापर्व है, महापर्व में लोग मतदान कर रहे हैं और देश की विकसित यात्रा के लिए मतदान कर रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल जैसे देश की सेवा की, आज सब नागरिकों का फर्ज है और मुझे ये खुशी है कि उत्तरी पूर्वी लोकसभा में दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। जिला नवीन सादरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। जिला नवीन सादरा तो एक छोटी कड़ी है पर पूरे दिल्ली का मतदाता, उत्तरी पूर्वी का मतदाता निश्चय ही मोदी जी के और मनोज तिवारी जी के विकास कार्यों के कारण भारी संख्या में मतदान कर रहा है। तापमान भी बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी उत्साह पूरा है, वो भगवान का काम है, ये भी प्रभु का काम है, सब मिलके करते रहते हैं। गर्मी तो आएगी, गर्मी भी आनी चाहिए, ब्राह्मण कैसे बचेगा, पर मतदान करने के लिए इसमें कोई कमी नहीं आएगी। बिन्नी वर्मा जी भी जिला महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हमारे बीच में, बिन्नी जी क्या कहेंगे? देखिए मैं सबको शुभकामनाएं इन एडवांस ही देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे स्तर पे वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है, लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं,
और अभी देखिए यहाँ पर हमारे सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और देखिए धूप छाओ तो अब कोई देख ही नहीं रहा है, बस उत्साह और ऊर्जा के साथ, चाहे बहने हो, चाहे 18 प्लस के बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो अपने, देखिए बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इससे पता चलता है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ी हुई है। और आपके भारत चैनल के माध्यम से बस अभी से निवेदन करूंगी, जो अभी भी घर में है वो भी तुरंत निकल कर आए और अपना वोट कास्ट करें। धन्यवाद। साथ में है मनीष मित्तल जी। मनीष जी, कैसा चल रहा है मतदान आजकल? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है और लंबी लंबी लाइनें आज पूरे हमारे क्षेत्र की लगी हुई है। पूरी विधानसभा का मैंने राउंड लिया है और बहुत अच्छे उत्साह के साथ में लोग बाग राष्ट्र हित केंद्र में वोट कर रहे हैं। पोलिंग कहीं ना कहीं स्लो नहीं? नहीं, कहां पोलिंग स्लो है, पोलिंग बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक 30-35% की पोलिंग हो चुकी है, अभी समय जो है केवल 12:15 हुआ है, अभी 5 घंटे पूरे बाकी हैं। और निश्चित तौर पे हम जो है पोलिंग बहुत अच्छी करके लेके जाएंगे। दिल्ली के अंदर में बाबरपुर विधानसभा की तो मैं बात करूँ तो पोलिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। वोट डिलीट का मामला भी सुनने में आ रहा है। देखिए कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो ऐसे में हो जाता है कि कुछ वोटे लोगों की रह जाती है, परंतु अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। ज्योति नगर बढ़ चढ़ करके पूरा पूरा मैं अभी अभी जो है मैं जहाँ पे जिस पोलिंग पे मैं अभी वोट डाल के आया हूँ उसके वो 105 नंबर है। 105 नंबर के ऊपर में जो है अभी 12 बजे हैं और 1300 कुछ वोटे हैं, 13 में से मेरा जो नंबर था वो 490वें नंबर था। तो आप समझिएगा कि कितनी वोट उस पोलिंग पे हो चुकी है। ईश्वर चौधरी जी भी हमारे बीच में है। सर, क्या नजर आ रहा है पूरे विधानसभा का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हम अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं, जो मार्जिन हमारा पहला था उससे ज्यादा मार्जिन जीत रहे हैं। सुभाष मोल्ला क्या कह रहे हैं? सुभाष मोल्ला मंडल भाजपा की जय कर रहा है। बिल्कुल जय, बिल्कुल जय। क्या कहेंगे, यूथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है? यूथ तो पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, मोदी जी का समर्थन में आ रहा है और अब की बात 400 पार का नारा जो मोदी जी का है निश्चय पूर्ण होगा। तापमान भी सही है, तापमान सही है, लेकिन मोदी जी ने जो किया है उसका तापमान इस तापमान से कम है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के टेबलों पर उत्साह है, वहीं उत्साह की अगर हम बात करें तो गठबंधन की टेबल अनैया कुमार की टेबल पे भी उत्साह है। हमारे बीच में यतेंद्र कुमार कुकू जी, कुकू जी क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? हमने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा जो अब चल रहा है कांग्रेस का, और उम्मीद करते हैं 70% तक वोटिंग होगी। आप हम अभी तक कितने परसेंट हो चुका है? लगभग 24% के करीब हो गया। 24% लगभग 12:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। हाँ जी जी, क्या उम्मीद लग रही है भगवानपुर खेड़े पे? हम जिता के भेजेंगे कन्हैया जी को भगवानपुर खेड़े से। भगवानपुर खेड़े के 5 बूथ हैं, जगजीवन नगर और भगवानपुर खेड़ा रामनगर, 5 बूथ हैं, 5 बूथ पर जिता के भेजेंगे। क्या वोटिंग स्लो है या तेज है? लोग एक एक घंटे से लाइन में खड़े हैं नंबर आने के लिए। क्या वोट डिलीट भी हुए हैं कुछ ऐसा? हाँ, डिलीट भी हुए हैं जी, डिलीट भी हुए हैं, क्योंकि किराएदार इधर से उधर चला गया तो वोटे कट रही है। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है जी, बहुत अच्छा माहौल है। कन्हैया जी का माहौल अच्छा चल रहा है यहाँ से। आप क्या कहते हैं? कन्हैया कुमार का बोलबाला है, हाँ 70% वोट पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट सीट पे। भाजपा है कहीं? भाजपा कहीं से कहीं तक भी नहीं है, भाजपा कहीं से कहीं तक भी नहीं है कन्हैया कुमार के सामने। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस जीतनी चाहिए, कांग्रेस जीतनी चाहिए, कांग्रेस, कांग्रेस। एक बात कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, दो बोलिए। कि हमारे मोदी साहब ने महंगाई इतनी कर दी 10 साल में जो आज तक कांग्रेस सरकार में नहीं हुई। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, फल महंगे, गरीब मारा जा रहा है। गरीब पे मोदी जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। हम यही कहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं गरीब मत। सुनो जी मेरी बात, जब मोदी कांग्रेस ने कहा आयुष्मान योजना का गरीब लाभ उठा रहा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है सर। हमें सबसे चाहिए महंगाई कम, जो गरीब आदमी मारा जा रहा है महंगाई से, पैसे वालों का कुछ नहीं। समय में महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी जो 10 साल में महंगाई। तो फिर बदलाव क्यों किया? जी क्यों किया बदलाव? बदलाव क्या कर सकते हैं जी? मोदी जी कैसे जीत रहे हमें नहीं मालूम। रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा जगह भी देखी जा रही है जहाँ पर कांग्रेस की टेबल नहीं है। हमारे बीच में मनोज शर्मा जी। मनोज जी, ये कौन सा बूथ है? ये वार्ड जो है रोहतास नगर वार्ड है और 121 नंबर बूथ है ये।
इसपे इसकी वोटिंग हो रही है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर एक ही टेबल लगी हुई है केवल, और वो कांग्रेस की टेबल क्यों नहीं? अब ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष जो है यहाँ के कांग्रेस के, उनका बूथ भी यही है, उनकी वोटिंग भी इसी बूथ को होती है, इतना तो हमें पता है। लगी नहीं है, लगने नहीं थी। अब ये तो वो जाने जी, या तो आए नहीं है या उन्हें आश्वासन नहीं होगा कि लोग होंगे या क्या होंगे, तो मंडल अध्यक्ष उनके ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश पांचाल जी बता सकते हैं। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो राम में है, इसकी बात तो राम में ही है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? जैसे कि हमारे चार्ज जी ने बताया कि पूरा राम में माहौल है, हम बीजेपी ही को ही लाएंगे और मोदी जी को ही लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे। सुबह कितने बजे से आप बैठे हैं? हम जी 9:30 बजे से सुबह बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पूरा जो माहौल है रामनगर में पूरा ही बीजेपी का माहौल है, या एक तरफा सीट अपनी मनोज तिवारी जी की आ रही है। अभी तक कितने वोट परसेंट हो चुका है? अभी यहाँ कम से कम नहीं तो 35% वोट हो चुकी है। हाँ जी, पानी चाय सब, पानी चाय की पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। यूथ मोदी जी के साथ है जी? यूथ मोदी जी के साथ है, साथ है जी। पूरा राममय माहौल है, पूरा रामनगर, मतलब आसपास के जनता, चंद लोग वगैरह सारा मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। हमारे बीच में हरिओम विश्वकर्मा, हरिओम विश्वकर्मा जी भी है। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे आज मतदान का दिन? मतदान है, आम जनता मतदान बहुत अच्छी तरह कर रही है। अभी तक 40% मतदान हो चुका है, और चंद्र लोग, दुर्गापुरी, रामनगर, ये सब बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगभग एक सवा बज चुका है, 40% मतदान, क्यों मतदान कम? थोड़ी धूप की वजह, गर्मी की वजह थोड़ा मतदान कम है, बाकी तो 40% तो अब तक हो चुका है। मैं खुद लेकर के लाया था। कांग्रेस की टेबल नहीं है यहाँ पे? कांग्रेस टेबल तो बहुत जगह नहीं है, कांग्रेस का या गठबंधन का एक साथ है। तो एक ही बात जो आप सही कह रहे हैं, उनकी मेज कहाँ लगेगी? एक मेज वहाँ उधर लगी हुई है बस, बाकी उनको वोट मिल कहाँ रही है यहाँ? वोट तो बीजेपी को मिल रही है। तिवारी जी जीत रहे? तिवारी जीत रहे पक्का 100%। कितने मतों से जीता रहे? कम से कम 2 लाख वोटों से। 2 लाख पिछले बार के मुकाबले इस बार आंकड़ा बढ़ने की वजह घट क्यों रहा है? ये थोड़ा सा इसलिए घट रहा है क्योंकि जो ना ये सीजन जो ना उसका है गर्मी का है, और एक वो ऐसी घट जाता है, क्या दिक्कत है इसमें? साथ में कुसुम तोमर जी भी हैं। कुसुम जी, क्या लग रहा है सभी बूथों पे आप जा रही है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और सबका रुझान जो है वो कमल के फूल की तरफ है। और मैं बता दूं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हाँ, दिल्ली के 7 सीटों को हम जीत रहे हैं, लेकिन उसमें से नंबर 1 जो सीट होगी वो उत्तर पूर्वी लोकसभा की सीट होगी, क्योंकि मैं लगभग पूरी वार्ड में और दूसरे वार्ड में भी विधानसभा में घूम कर आई हूँ। हर जगह सब एक ही चर्चा है लोगों की, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। विधानसभा बाबरपुर की बात करें तो इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने देखा कि युवा बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो फर्स्ट वोटर्स हैं वो बच्चे बड़े चाव से आ रहे हैं, उनको बड़ा शौक लग रहा है कि नहीं हमको वोट डाल दी है। तो सभी लोग, इतनी गर्मी में देखे, इतनी भयंकर गर्मी है, लेकिन मोदी जी के प्रति जो लोगों की दीवानगी है वो गर्मी नहीं देख रही है, वो लगातार पोलिंग करने के लिए जा रहे हैं और लगातार वहां पर वोट। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर भी बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि मैं महिलाओं से भी बहुत मिली हूँ अंदर भी, जब पोलिंग करने गई तो वहां पर भी महिलाओं से मिली, तो महिलाएं मुझे भाई है कि बोल रही थी, अरे दीदी हम तो कमल का फूल को बटन दबाने आए यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि सीट हमारी निकल रही है। वोटिंग स्लो है? थोड़ा नहीं, स्लो नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय आप देख सकते हैं अभी, और छुट्टी भी होती है तो लोग थोड़ा लेट उठते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करके सोचते हैं चलो पूरा दिन है तो आराम से जाएंगे, ऐसा नहीं है। 50% तक, कई कई बूथों पर 50% पोलिंग हो चुकी है। इस बार भी वोट डिलीट का मामला, वोट डिलीट का भी हुआ है। देखिए मैं तो दिल्ली सरकार को कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार ने पिछली बार क्या कहा था, वोट कटवा दी। इस बार BLO ने आधी जगह पर्चियां ही नहीं बांटी है आधी जगह, और वोट भी कटी है बहुत सारे लोगों की। तो ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, शायद उनको हारने का इतना डर लगा रहता है कि वो पहले से पहले कुछ ना कुछ जाल बुन देते हैं कि उनको लगता है कि हम हार जाएंगे, तो हारे हुए तो पहले से बैठे हुए हैं, और ये दिखा के उन्होंने और साबित कर दिया कि उनके अंदर डर है हारने का, लोगों के वोट कटवाने का। क्योंकि वोटर वोट डालने के लिए आता है, टेबल पे जाता है, पता चलता है वोट डिलीट, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो वो तो हताश, तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि दूसरी पार्टी अपोजिशन वाले इतने ज्यादा डरे हुए हैं, केजरीवाल इतना डरा हुआ है, केजरीवाल को पता है दिल्ली में सुपड़ा साफ है उसका, दिल्ली में कुछ आना नहीं है उसका, तो वो अपनी जो चाल चल सकता है वो चाल चल रहा है वो, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब नहीं होगा। जो वोटर है वो वोट डालने जा रहे हैं, सबकी वोट डल जाएंगे, हम उसी से